लिब्रा यानी तुला राशि है मेरी। मैंने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर ली है और मैं जॉब के लिए तैयार भी हूँ, परंतु मुझे नौकरी नहीं मिल रही या फिर मैं जिस जॉब को कर रहा हूँ उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने पूर्ण सामंजस्य बनाने की कोशिश की, परंतु फिर भी अब यहाँ मन नहीं लगता। तो क्या मुझे कोई नई नौकरी देखनी चाहिए? क्या उसके लिए ये उचित समय है? यदि आपका भी ये सवाल है तो ये वीडियो खास है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सर्वानी सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, वीडियो को शेयर करने से, इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। इसलिए पुनः एक बार सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी मुस्कुराहट मनभावक होती है। शुक्र ग्रह के स्वामित्व के कारण ये अच्छे सलाहकार होते हैं। काउंसलिंग का काम ये बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। किसी के साथ भी न्याय करने वाले मिलनसार व्यक्ति होते हैं। वो सदैव यही चाहते हैं कि उनका जीवन खुश हो तथा उनके अनुरूप हो। यदि आप इस राशि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो आप देख सकते हैं और ढेर सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे एक बर्थ चार्ट के माध्यम से हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर नाड़ी सिस्टम से हम इसमें पूर्ण सामंजस्य बैठाने के बाद भी, कोऑपरेटिव होने के बाद भी नौकरी में क्यों होती है समस्या, और यदि हमारा एक जो समय होता है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग वो यदि अच्छा चल रहा है तो उसे भी हम कैसे इस बर्थ चार्ट के माध्यम से देखेंगे। और यदि आपने अभी तक अपना बर्थ चार्ट नहीं निकाला है तो आप सबसे निवेदन है कि अपना बर्थ चार्ट निकाल लें और उन बातों को ज़रूर यहाँ पर देखें जो इस बर्थ चार्ट में बताया जा रहा है, और अपने बर्थ चार्ट में भी इन बातों की गणना अवश्य करें ताकि आप भी ये बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे जान सकते हैं कि वास्तव में क्या आपके लिए नौकरी के लिए ये उचित समय है। अपनी जॉब को स्विच करने के लिए, नई जॉब को तलाशने के लिए क्या इन दोनों के लिए ये आपका उचित समय है या फिर हमें थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। तो आइए इस बर्थ चार्ट के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि तुला लग्न की ये कुंडली है। यहाँ पर यदि आपका ला लिखा हो या फिर ये ASC लिखा हो, ये फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पर यदि आपका मून भी है तो ये वीडियो बिल्कुल खास है आप सबके लिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि मून 12वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा, इसलिए राशि बदल जाती है। तो यहाँ पर आपके जो है एक नज़र पूरे बर्थ चार्ट पर और उसकी प्लेनेटरी पोजीशन पर और उसकी डिग्रीज पर, इस पर एक नज़र ज़रूर डालें। तो पहले डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1978, समय दोपहर 1:08, और समय जो स्थान है वो प्रयागराज है, तो प्रयागराजवासी हैं तो यहीं के चार्ट मिलते हैं। तो इसमें यहाँ पर यूरेनस जो है वो लगन में ही बैठे हैं और 18:54 के इनकी पोजीशन है, और नेपच्यून सेकंड हाउस में बैठे हैं यानी दूसरे भाव में बैठे हैं 22:39 के, छठे भाव में केतु बैठे हैं 5:49 के, सूर्य बैठे हैं 25:11, गुरु बैठे हैं 25:33, मर्करी यानी बुध ग्रह बैठे हैं 19:36 और ये बैठे हैं 10वें भाव में, 11वें भाव में मंगल बैठे हैं 22, शुक्र बैठे हैं 5:39 के, और शनि बैठे हैं 4:49 के। वहीं 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं 15 के 0:15 और राहु बैठे हैं 5:49 के, और प्लूटो बैठे हैं 20:31 के। तो ये इनकी प्लेनेटरी पोजीशन है और इनकी डिग्री है, इनकी उपस्थिति है जहाँ पर ये प्लेस हैं इस समय।
और राशियां तो आपको पता ही हैं, ये भाव भी पता हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं वो नहीं बता रहा हूं। तो इसमें जो हमें खास ध्यान देने की बात है तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए, उसमें मंगल को जरूर ध्यान दें, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर प्लूटो को भी जरूर ध्यान दें, उनकी पूरे बर्थ चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में पोजीशन कहाँ है। इसमें तो यहाँ 12वें भाव में है और मंगल की पोजीशन 11वें भाव में है, तो इस बात को जरूर अपने बर्थ चार्ट में जरूर देखें। उसके बाद छठे भाव की बात करें तो छठे भाव का जो स्वामी है वो गुरु और नेपच्यून होते हैं, तो इनकी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है उसे जरूर ध्यान दें। यहाँ नेपच्यून की पोजीशन दूसरे भाव में है और गुरु की पोजीशन 9वें भाव में है। तो अब यहाँ पर जो हमारे जो है 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव का चंद्रमा इसका स्वामी है, तो उसकी जो है पोजीशन देख लें तो, और चंद्रमा की पोजीशन 12वें भाव में है। तो सूर्य की पोजीशन यानी कि हमारा जो 11वां भाव है उसकी पोजीशन हमारी 9वें भाव में है। इन बातों को यानी ये जो मैंने हाउसेस बताए हैं इनके स्वामी को आप ज़रूर अपने जो है बर्थ चार्ट में देखें कि इन सारे प्लैनेट्स की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में कहां पर है, क्योंकि उसी से आप अपना बर्थ चार्ट की अपनी जो वैल्यू है, अपना जो जॉब करने की जो प्रोग्रेस करने की स्थिति है उसे आप गणना कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहां पर इनकी पोजीशन जो इस बर्थ चार्ट में है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो मैंने इसीलिए इस बर्थ चार्ट को यहां पर लिया भी है। तो इसमें जो दशा चल रही है, हमारा जो नाड़ी का सिस्टम होता है वो यही होता है कि हम डैप को ज़रूर देखते हैं, यानी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इनको हम यहाँ पर ज़रूर देखते हैं। तो दशा हमारी चल रही है शुक्र की, और अंतरदशा जो चल रही है वो हमारी शनि की चल रही है, और प्रत्यंतर दशा ये हमारी चंद्रमा की चल रही है। तो यहाँ पर ये तीनों प्लैनेट फिर काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जा रखते हैं अपना, और यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इनका नक्षत्र है, यानी शुक्र का नक्षत्र की बात करें तो शुक्र का नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और उसके बाद उप नक्षत्र की बात करें तो उप नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो राहु हैं। तो केतु और राहु इनके यानी नक्षत्र और उप नक्षत्र में विराजमान हैं उनकी प्लेसमेंट में, और वीनस और शनि के नक्षत्र की बात करें तो केतु का नक्षत्र इनका भी आता है और उप नक्षत्र मंगल का आता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य और उप नक्षत्र स्वामी राहु बनते हैं। तो ये इनकी जो है दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का डिटेल है। और इसके बाद यदि हम इनके हाउसेस की गणना करें तो वहाँ पर ये वीनस जो हमें शुक्र देवता दे रहे हैं वो 1, 8, 10वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, केतु 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव के रिजल्ट हमें राहु देवता दे रहे हैं। और यहीं बात करें अंतरदशा में तो शनि 4थे, 5वें और 10वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, केतु फिर से जो हमारे शनि के नक्षत्र हैं यानी केतु के नक्षत्र में ही शनि देवता विराजमान हैं, तो केतु की इम्पॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसलिए केतु 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10वें और 11वें भाव के रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं, मंगल 2, 7वें और 11वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, चंद्रमा 10वें 11वें के रिजल्ट दे रहे हैं, और जो चंद्रमा यानी जिनके नक्षत्र में बैठे हैं सूर्य देवता वो हमें 9वें और 11वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं, राहु देवता 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। राहु हमारे चंद्रमा जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है, राहु देवता वहाँ के उप नक्षत्र हैं चंद्रमा के। तो अब सवाल है कि क्या नौकरी के लिए ये उत्तम समय है, क्या हमें कोई नई नौकरी में स्विच करना है तो हम क्या ये स्विच करने के लिए तैयार हैं, ये हमारे लिए उत्तम समय है, हम इस नौकरी को छोड़ करके अगली नौकरी में चले जाएं, यही आपका सवाल है और यही का इसी का जवाब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये हमारा पहला रूल हो गया, और अब हमारा दूसरा रूल आता है कि हम इन हाउसेस से हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो नौकरी के लिए निकाल रहे हैं,
तो हमने पहले भी आपसे कहा कि दूसरा भाव जो हमारे बैंकिंग के लिए है, बैंक बैलेंस के लिए है, मनी के लिए है, हमारे पोजीशन के लिए है, हमारी वैल्यू के लिए है, तो इनका जो रोल है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जा रखता है। क्योंकि हमारे को यदि पैसा आएगा, यानी जॉब अच्छी होगी तो पैसा आएगा आएगा। अब यहाँ पर यदि हम छठे भाव की बात करें, जो कि हमारा प्राइम हाउस है जॉब के लिए, तो छठा भाव भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रखता है अपना। इसी प्रकार से नेम फेम पोजीशन का हाउस यानी दसवां भाव, इसे भी हम ज़रूर देखेंगे जॉब के लिए, नई जॉब के स्विच के लिए या फिर अपनी प्रमोशन के लिए। उसके बाद ग्यारहवां भाव, क्या हमें गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। गेन मिलेगा तभी हमारे पास पैसे आएंगे, तभी हमारी तनख्वाह अच्छी आएगी और हम प्रसन्न रहेंगे और हमारा जो नेचर है कोऑपरेटिव वो बना रहेगा। अब यहाँ पर हमने जो रूल नंबर 2 है उसको हमने अपने सक्सेस के लिए ज़रूर देखना है। और यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस है वो 10th हाउस की मौजूद है वीनस में, केतु में 2nd, 6th, 10th, 11th, ये चारों हमारे हाउसेस मिलते हैं। राहु में भी, यानी वीनस का जो उप नक्षत्र है राहु, उसमें भी हमें मिलती है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वीनस आपके लिए, यानी इन महाशय जी के लिए। शनि की बात करें तो जो हमारी अंतरदशा है उसमें हमारा 10th हाउस, 2nd हाउस, 6th, 10th, 11th, 2nd, 11th, ये हमारे शनि भी इस महाशय जी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और मून की बात करें तो मून में भी 10th, 11th ये हमारे हाउसेस मिलते हैं। तो इनको जो है काफ़ी अच्छी सफलता मिली इनके जो शुक्र की दशा है, शनि की जो अंतरदशा है, इस टाइम पे इनको काफ़ी अच्छी सफलता इन्होंने देखी और बड़े ही ऊंचाई पर ये गए हैं। तो इसमें अब जो आपका एक दूसरा सवाल आता है कि कोऑपरेटिव नेचर होने के बाद भी जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, सामंजस्यपूर्ण इस आपका जो स्वभाव है उसके बाद भी आपको ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पर जो हमें इस हाउसेस के बजाय हमें जो देखने को मिलते हैं निगेटिव हाउस, जब ये हाउस हमें मिलते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ वही घटनाएं घटती हैं जो आपने अभी अपने सवाल में पूछा था। अब यहाँ पर जो हाउसेस बदल जाते हैं, यदि अपने नक्षत्र के द्वारा कोई भी ग्रह इस तरह के रिजल्ट देने लगता है तो वहाँ पर ये इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और हम देखते हैं कि हमने मेहनत तो की लेकिन हमारा मेहनत का फल कोई और ले गया। इस तरह के हमें हाउसेस देखने को मिलेंगे जो मैंने ब्लू कलर की पेन से लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो प्रकृति आपसे कहती है कि आप थोड़ा सा ठहरें, आप रुकें और अपनी स्थिति को बदलने तक या फिर आप कोई अच्छे उपाय को करके आप समय को निकाल सकते हैं और उसके बाद आप अपनी सफलता के लिए अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर वॉच स्टॉप एंड वॉच की जो थ्योरी है उसको आप अपनाएं। यदि तुला आपका लग्न है तो किसी भी विषय के विभिन्न पहलुओं को समझना और सामंजस्य बिठाना ये आपका अपना स्वभाव है। इसलिए इस स्वभाव के कारण आप जो समाज है उसमें आपकी चर्चा हो
होना स्वाभाविक ही है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और हमने नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इस सवाल का जवाब लिया है, तो ये सिस्टम भी आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। तो यदि आपको इसके अलावा भी कोई सवाल हो आपके मन में, या फिर इस वीडियो में भी कोई आपके सवाल उत्पन्न हो रहे हों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो जनरल क्वेश्चन है उसे आप लिख करके उसका जवाब आप हमसे ले सकते हैं। और यदि आप पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। और आप सफल हों अपने मार्ग में, आप सफलता प्राप्त करें, अपनी जॉब में सफलता प्राप्त करें, इन शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।